जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 11th, फर्स्ट चैप्टर सेट्स, एक्सरसाइज 1.4, टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स? द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बट कॉमन एलिमेंट्स आर ओनली वंस। मेन लाइन, कॉमन एलिमेंट्स आर ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी द सेट 1, 2, 3, 4, 5, बी एंड बी इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7, 8। सो ए यूनियन बी इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड कॉमन एलिमेंट्स 4, 5, 4, 5 आर ओनली वंस, वन टाइम। सो नेक्स्ट 6, 7, 8, सो ए यूनियन बी इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यूनियन कैन रिप्रेजेंट बाई यू, सो ए यूनियन बी कैन रिप्रेजेंट बाई दिस सिंबल। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मेन, कॉमन एलिमेंट्स, इसके अंदर क्या था? ऑल एलिमेंट्स, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7। कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, 4, 5 इज अ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, 5। ए इंटरसेक्शन कैन रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओ दी डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए not in B. So A minus B is equals to A is equals to 2, 3, 6, 8, 9 and B is equals to 3, 6, 10, 11. A minus B, A के वो एलिमेंट्स जिनके अंदर से B वाले एलिमेंट्स माइनस कर दें। माइनस कर दें मतलब B वाले एलिमेंट्स कॉमन, 3, 3 कैंसिल कर दिया, 6, 6 कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, सो A माइनस B, A के वो एलिमेंट्स 2, 8, 9 जो B के अंदर नहीं है। ठीक है, ये तो क्या था आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। Main, what is disjoint set? Disjoint set, if A intersection B, phi, common elements, कोई भी common elements नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? Disjoint sets बोलते हैं। So मैं exercise start करता हूं, exercise 1.4, question 1 to 12, all questions discuss करता हूं। First question, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड ऑल डेफिनेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए एक्स इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड वाई इज इक्वल टू 1, 2, 3। सो एक्स यूनियन वाई, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड कॉमन एलिमेंट्स आर ओनली वंस। ऑल एलिमेंट्स 1, 3, 5, 1 एज इट इज 2, 2 आ गया। ठीक है, ये 3 भी इसके अंदर है, तो 1, 3, 5, 2 इज द एक्स यूनियन वाई। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, वोवल्स आपको दिए हुए हैं, एंड बी इज इक्वल्स टू, बी है आपका ए बी, आपसे पूछा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपका? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए ई आई ओ यू, एंड इसके अंदर आपका ए आ गया कॉमन, बी और सी, तो ये आपका क्या आ गया? ए यूनियन बी। और आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स। इनके हमें फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ये क्या, इंटरसेक्शन भी साथ के साथ निकाल लेता हूं। तो X इंटरसेक्शन Y, कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है आपका? 1, 3, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 3 है, तो आपका A इंटरसेक्शन क्या आया? 1, 3। और इसके अंदर A इंटरसेक्शन B निकालता हूं तो क्या आएगा आपका? दोनों के अंदर कॉमन क्या है? ओनली A इज कॉमन, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। ठीक है, अब इसका मैं फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और फोर्थ का फोर्थ पार्ट, दोनों सिमिलर, एक में हमें यूनियन निकालना है और दूसरे में हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है।
फर्स्ट और फोर्थ पैरेलल क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट का फोर्थ और आपका फोर्थ का फोर्थ। एक में हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, एक में इंटरसेक्शन। ए इज इक्वल टू हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बिटवीन सिक्स वन एक्स सिक्स। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है, बिटवीन सिक्स एक्स टेन, ये आपका था। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। हमारा कहता है x बड़ा है किससे, वन से, तो टू थ्री फोर फाइव और सिक्स के इक्वल भी है तो सिक्स भी आएगा। एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, b के अंदर वो नेचुरल नंबर जो इनके बीच में लाई करते हैं, सिक्स और टेन नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है, तो आपका सेवन एट नाइन। अब कहता है हमें क्या निकालना है, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b हमें फाइंड आउट करना है। यूनियन ऑल दोज एलिमेंट्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये आपके आ क्या आ गया, यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन निकालना है, कोई कॉमन एलिमेंट है इसके अंदर, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया आपका फाई, और जिसका इंटरसेक्शन फाई आता था उनको क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन पैरेलल मैंने दोनों करवा दिए। अब मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है लेट लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी गिवन है एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी सी। फर्स्ट पार्ट पूछा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यस और नो, ऑल व्हाट इज अ सबसेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, क्या ए ए बी के अंदर भी है, यस, बी बी के अंदर भी है, यस, सो यस ए इज सबसेट ऑफ बी क्योंकि हमारे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करना है। हमें ए के सभी एलिमेंट्स लिख लेंगे, ए बी सी, ए बी कॉमन है और एक क्या आएगा सी, ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये बी सेट आ गया। इससे क्या हुआ कि ए यूनियन बी आपका किसके इक्वल आ गया, बी, कब, जब हमारा ए सबसेट है किसका, बी का। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। थर्ड क्वेश्चन आपका, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स है, ए इज सबसेट ऑफ बी, फाइंड ए यूनियन बी, तो आपका अभी मैं करवा के आया तो कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू वन टू है मेरा, बी इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू सिक्स है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा मेरा, हमारा वन टू थ्री अप टू सिक्स आ जाएगा, और इसको क्या बोलूंगा, बी, क्योंकि हमारा ए सबसेट था किसका, बी का। ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये भी एग्जांपल।